चंबा में इन दिनों 45 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है। इसके तहत चंबा के मंगला में आज लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस दौरान मंगला की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। वहीं इस दौरान लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। वैक्सीनेशन प्रक्रिया बारे जानकारी देते हुए हेल्थ वर्कर बलदेव ने बताया कि मंगला और टिपून पंचायत में 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लगभग 90% लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। मैं बलवंत कुमार, हेल्थ वर्कर, हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत आज दिनांक 1/6/2021 के तहत आज 45+ लोगों को का टीकाकरण सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला में किया जा रहा है। हमारी लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपना टीकाकरण करवाएं। हमने 90% से करीब टीकाकरण जो है पूरा कर लिया है। अब जो कुछ लोग थोड़े बचे हैं, छूट गए हैं, हम उनका टीकाकरण कर रहे हैं। और मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि लोग हमारा साथ दें, सहयोग दें, हमारे पास आए, अपना टीकाकरण का नाम दर्ज कराए और टीका लगाए। और सबसे जरूरी बात यह है कि लोग आजकल मास्क पहनना भूल गए हैं। मास्क पहने, अच्छे तरीके से पहने, अपने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद सैनिटाइजर से भी साफ करें, खाना खाने से पहले हाथ धोए, खाना खाने के बाद भी हाथ धोए, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, तब जाके कोरोना जो है ये भागेगा। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।